किसान भाइयों नमस्कार। मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे, जैसे कि आप कमेंट लिखते रहते हो कि क्या हम एक गाय लाएं, सिर्फ हमारे घर पर एक गाय लाएं गुजरात से और फिर हम उस पर काम शुरू करें क्या। तो एक क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर कि मैंने मतलब बहुत ज़्यादा सोचा पहले तो, कि क्या एक गाय रखने से घर में मतलब फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर से कर लें सब्सक्राइब, पास वाली एक छोटी सी घंटी ज़रूर से दबा दें, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए किसान भाइयों वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, आपका जो क्वेश्चन है कि क्या हम एक गिर गाय लाए और अपने घर पर और फिर गिर पर काम करना चालू करें, तो किसान भाइयों आपका मतलब सबसे पहले तो डिसीजन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि गुजरात में गाय रहती है सब झुंड में रहती है, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे भी सब झुंड में रहती है। तो अगर आप एक गाय लाओगे अगर आपके घर पर, और अगर एक गाय अगर आपने जैसे कि इस तरह की गाय लिया है, अगर आप जैसे बड़ी गाय हैं और ये पहले से रह चुकी है झुंड में, तो ये बिल्कुल भी आपके यहाँ पर खाए नहीं, कि मतलब 10-15 दिन तो आपके यहाँ पर खाए भी नहीं गई। मेरे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, हम 5 गाय लाए थे गुजरात से, तो 5 गाय अगर हम शुरू में गुजरात से लाए थे तो बिल्कुल यहाँ पर आने के दिन 5 दिन तक इन्होंने ना तो चारे को हाथ लगाया, चारे को भी इन्होंने मतलब देखा तक नहीं, और बिल्कुल इनके आँख से पानी आंसू टपक रहे थे कि ये कहाँ पर आ गए हम। और 5 दिनों के बाद फिर धीरे धीरे इनको यहाँ पर मतलब सूट होने लगा। और गाय अगर साथ में रहेगी तो बिल्कुल नहीं रोएगी, अगर आप अगर एक गाय को रखोगे तो बहुत ज़्यादा रोएगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहेगी। और अभी देख सकते हो ये यहाँ पर पानी भी है तो पानी भी पी लेती है, आप देख सकते हो, बिल्कुल झुंड में रहेगी तो दिक्कत नहीं रहेगी। और पहली बात खुले में है, तो खुले में रहेगी तो इनकी मन मर्जी रहेगी, जो करना होगा वो करेगी, तो ये गाय बहुत शानदार हो जाएगी। आप देख सकते हो पानी कितनी शानदार तरीके से हमारी गाय पी रही है, देख सकते हो आप, बहुत शानदार तरीके से रहेगी। और किसान भाइयों, अगर आप बछड़ी अगर लाते हो तो बछड़ी आपके यहाँ पर सूट हो सकती है, क्योंकि बछड़ी छोटी रहती है तो वो बंधी ही रहती है। तो अगर आप भी उसको अगर घर पे लाओगे, अगर बांध के रखना है तो आप बछड़ी लाइए, या फिर एक गाय भी अगर आप रखना चाहते हैं तो बछड़ी को अगर आप तैयार करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि देख सकते हो एक गई और उसके बाद दूसरी फिर आ गई पानी पीने के लिए, आप देख ही सकते हो, ये देख सकते हो अब ये महात्मा है तो ये पानी पीने आ गई। और अभी किसान भाइयों, अभी मैं आपको चलिए बताता हूँ पहले तो मेरे डेयरी फार्म को, कि अभी एक और हमारी गाय ने, एक तो राधिका ने बछड़ा दिया ही और एक अभी नई बछड़ी आई है। तो मैं आपको पहले तो गाय बताता हूँ कि कौन सी गाय ने बछड़ी दी है। तो आप ये देख सकते हो ये रही गाय, आप देख सकते हो ये मतलब कि इतनी प्योर नहीं है गिर में, पर हाँ एक गिर है, आप देख सकते हो ये, देखिए आप। और इसकी बछड़ी भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत शानदार है, ये देख सकते हो आप, ये इसकी बछड़ी है और बहुत शानदार है, कल इसने दिया है। तो बछड़ी आपने हमारे डेयरी फार्म में, अभी बछड़ियाँ भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो रही है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको, चलिए मैं आपको दो बछड़ी बताता हूँ जो कि हमने अभी अंदर रख रखी, थोड़ी सी बड़ी बछड़ियाँ हैं तो इसलिए हमने उनको अंदर रख के रखा है। तो एक तो ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो, ये थोड़ी सी दुबली है, अभी इसको भी हम, इनके लिए हम अलग एक सेपरेट कंपाउंडमेंट बनाएंगे जिस पर ये दिन भर खुली रहे, और इनके लिए भी ये सेम फैसिलिटी, सिर्फ बछड़ियाँ रहेगी उसमें, तो हमारी बछड़ियाँ बहुत शानदार तरीके से तैयार होगी। तो बछड़ी का अलग कंपाउंडमेंट आपको भी बनाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी आप ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये सब मैं हटाऊंगा, क्योंकि ये बाउंड्री बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, आप देख सकते हो यहाँ से नीचे से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो इन सब बाउंड्रीज़ को हटा के बिल्कुल एक अच्छा सा, बिल्कुल बहुत शानदार तैयार होगा, वो भी मैं बताऊँगा आपको ज़रूर से, क्योंकि हम आपके साथ में बने रहते हैं। तो वो अगर आपको देखना है जब भी बनेगा तो आपको मैं ज़रूर बताऊँगा। तो अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, क्योंकि फिर क्या पता आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और फिर वो वीडियो आपसे छूट जाए, तो सब्सक्राइब जरूर से करके रखना। आप देख सकते हो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ बाउंड्री बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, ये देख सकते हो आप, इधर इधर और इधर इधर मतलब ख़त्म हो चुकी है, जाली बेकार है बिल्कुल, इस जाली को अगर सपोर्ट नहीं देंगे ना तो ये बिल्कुल बिगड़ जाएगी।
करीबन इसको भी 5 साल हो गए हैं तो नहीं बिगड़े तो क्या हो, 3 साल हो गए करीबन, 5 साल तो नहीं पर 3 साल लगे लगे हो गए हो। और बछड़ी अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने बछड़ी अभी अलग बांध रहे हैं, जो कि आप पीछे देख सकते हो बिल्कुल लाइन से बंधी हुई है सारी बछड़ियाँ, 1 2 3 4 और उधर 2 बछड़े हैं तो उनको तो अलग ही बांध रहे हैं। और बाकी इधर आप मेरे पीछे देख सकते हो, इधर मैं अभी आपको बताता हूँ, उधर तो हमारे वो हो गए और इधर मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देख सकते हो इधर छोटे बछड़ियाँ हैं, एक वो बैठा है, एक उधर ऊपर वो है राधिका का बछड़ा है अर्जुन, और वो जो बछड़ी थी वो जनी हुई वो वहाँ पर है। तो इस तरह हमने कुछ सेटअप बना रखे हैं और फिर हम कोशिश कर ही रहे हैं कि एक अच्छा सा इनके लिए बनवाए ताकि गाय हमें अच्छी रहे यहाँ पर, गाय बिल्कुल गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसी कोशिश को हम आगे बढ़ा ही रहे हैं और अभी आप देख सकते हो 5 से हमने शुरू किया था और आज हमारे पास में गीर की बहुत शानदार नस्लें हैं, जो कि मैं बड़े बड़े डेयरी फार्म पर भी वीडियो शूट करके आता हूँ, पर जो मेरे यहाँ पर बछड़े हमने तैयार कर रखे हैं ना वो ऐसे नहीं मिलते यार वहाँ पर। सही बात बोल रहा हूँ, घर पर अगर आप तैयार करते हो ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको। और ये देख सकते हो आप मेरे पीछे, ये आनंद है, आनंद ये देख सकते हो आप, आनंद ये लीला है बहुत शानदार है, आप देख सकते हो 21 लीटर दूध पर टाइम, मतलब कि पर टाइम नहीं, मतलब 10 10 लीटर ऊपर, मतलब 10 10 लीटर दूध दिया था उस गाय ने गोपाल पुरस्कार योजना में, उसका ही बछड़ा है ये देख सकते हो आप, बहुत शानदार। और ये एक हमारी 10 लीटर वाली गाय है, आप देख सकते हो 10 लीटर से ज़्यादा दूध देती है पर टाइम में, ये 20 लीटर दूध देने वाली गाय है। और अगर इस गाय का दूध नहीं निकालते ना तो थन से आने लग जाता है। और भी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना अगर पसंद आ रही है तो। और एक ये अभी गाबिन है तो ये भी जनने वाली है। और अगर आप पूछते हो कि भाई आप सेल करते हो कि नहीं करते हो गिर गायों को, तो भाई मैं आपको बताऊं कि सेल के लिए तो अभी हमारे पास में एक भी गाय नहीं है, क्योंकि इस गर्मी से हमें, मैं जैसे कि आपको बोल ही रहा हूँ कि प्रोजेक्ट हमें बड़ा करना है, ये भी आपको मैं जो आपको ये बता रहा हूँ ये बड़ा, ये भी हमको और उस तरफ भी बहुत लंबा करना है और इस तरफ भी बहुत ज़्यादा लंबा करना है, तो उसकी डिटेल भी आपको मिलेगी, तो वो वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और आपको मैंने जैसे नंदी की वीडियो पूरी टोटली बनाकर बताई थी तो वो वीडियो भी ज़रूर देख लेना, हमारे चैनल पर ही है, नंदी बहुत शानदार है, ये देख सकते हो आप, रामू नाम है, रामू ये लाइक करने का बोल रहा है वीडियो को, तो लाइक ज़रूर से करना ठीक है। उसके बाद एक और हमारी गाय है जो कि ये जमुना है, ये देख सकते हो आप, ये भी 20 लीटर पर टाइम का दूध है, तो ये भी बछड़ा देने वाली, आप देख सकते हो ये गाय है वो, ये देख सकते हो आप 20 लीटर, मतलब कम से कम 8 8 लीटर ऊपर तो देती है सारी गायें, ये जो सारी नहीं देती कोई कोई कम भी देती, पर करीबन मैं बताऊँ आपको 8 8 लीटर तो गायें दूध दे ही देती है मेरे यहाँ की, अगर मैं बात करूँ आप जैसे कि देख ही सकते हो पीछे। और चलिए आपको मैं थोड़े हमारे यहाँ के बछड़ा जो गाय के बछड़े हैं और बछड़िया है वो भी आपको दिखाता हूँ, बहुत शानदार तैयार किए हुए हैं, तो वीडियो को आप आखिरी तक देखते रहना। तो चलिए अब उधर भी चलते हैं हम, इस तरफ तो आपको मैंने बता ही दिया सारी। किसान भाइयों एक ये बछड़ी आप देख सकते हो, उसके बाद ये एक बछड़ा है देख सकते हो, शानदार है बहुत। और अभी एक जो मैंने नई बछड़ी आपको बताई थी कि उस गाय की, ये बछड़ी आप देख सकते हो, ये बछड़ी आप अभी देख ही सकते हो। उसके बाद एक ये बछड़ी है और उसके बाद ये तो जीत आपको पता ही होगा, बहुत शानदार आप देख सकते हो क्वालिटी, ये जीत है और ये रानी है आप देख ही सकते हो, रानी ये रानी बेटा ये रानी है। तो ये कुछ कुछ इतनी बछड़ियाँ है हमारे पास में, ये देख सकते हो अब ये, और इस तरफ 2 है और बाकी उधर सामने आप देख ही सकते हो वहाँ पर वो बंदी है। तो ये सब अच्छी नस्ल तैयार हो रही है अभी हमारे पास में और आने वाले फ्यूचर में और भी अच्छी तैयार होगी, क्योंकि इस तरह का नंदी देख सकते हो आप बहुत शानदार है। अर्जुन अर्जुन ये देख सकते हो आप बहुत शानदार। तो किसान भाइयों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपके पास कितनी गायें हैं और कौन सी नस्ल की गायें हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे भी पता चले कि हमारे जो भाई लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं वो कौन कौन सी गाय का पालन करते हैं या फिर कितनी गायें रखते हैं,
तो ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।